सो गाइस, आप सभी लोगों से एक मेरी छोटी सी अपील है, ये लड़की ऐसे नहीं मान रही है, ये माँ बहन की गालियाँ अभी भी दिए जा रही है, मेरी मम्मी के लिए भी गलत बोल रही है, ठीक है। मैं सभी भी कोई गाली नहीं दूंगा, मेरे से बस इतनी सी आप लोगों से अपील है कि बस आप लोग सभी लोग इसकी फोटो के साथ बनाओ। मैंने अभी तक इसकी फोटो नहीं डाली है कहीं पे ना, मैंने कहीं भी इसकी फोटो का यूज नहीं किया अपनी वीडियोज में। इसकी फोटो के साथ इसको मतलब वीडियोज बनाओ, सबको बता दो, कम्युनिटी में फैलनी चाहिए बात। अब शॉर्ट वीडियोज क्रिएटर सब लोग करो ये काम, मैं आप लोग मुझे मेंशन करो, मैं आपको मेंशन बैक दूंगा, बड़े से बड़े रोस्टर तक ये बात जानी चाहिए, कोई ना कोई तो हेल्प करेगा। तो आप सभी लोग वीडियोस बनाओ, मैं आप लोग मुझे मेंशन करो, मैं आपके मेंशन बैक दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी दूंगा। आप सभी लोगों को आप वीडियोस बनाओ, वीडियोस में भी मेंशन दो, मैं कसम से बता रहा हूँ आपके कमेंट भी करने आऊंगा, जो जो जैसा सपोर्ट चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप इसको आप दिखाओ कि हम लोग क्या है भाई, एक सही इंसान को एक गंदा बना रही है, इसकी तो कुछ इमेज नहीं है, हमारी इमेज गिरा रही है भाई। अब थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ गाइस, और जो जो मुझे मानता ना इसकी जाओ इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट जरूर मार। और फोटो से वीडियो बनाने का मेरा मेन रोल ये नहीं है कि इसकी इमेज गिरे, इसके घर वालों तक बात पहुंचे, इसके एरिया के लोगों तक पता चले कि ये कैसी लड़की है, कितने हद तक गिरी हुई है, कितनी लिचड़ है ये लोग। मतलब कसम बता रहा हूँ भाई, मैं पहाड़ी बंदा हूँ यार, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं चेहरे के साथ आज खड़ा हूँ, उसको बोलो चेहरे के साथ आके दिखाए, अपनी वीडियोज में अपने फोटोज में क्यों नहीं डालता चेहरा, वो क्यों नहीं डाल रही चेहरा, चेहरा डालना तब तो पता चलेगा लोगों को तू कितने पानी में है। स्कैमर तुम लोग इतने लिचड़ हो, पेमेंट प्रूफ से लेकर सब कुछ डाल दिया मैंने उसमें, तभी भी तुम्हें शर्म आ नहीं रही है। आप सभी देख के आओ, पेमेंट प्रूफ, अबे पैसे लेती थी तुम मुझसे लिचड़, आईफोन की डिमांड करी थी तुमने मुझसे, तूने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ भाई। डिप्रेशन में बंदे को डालना तुम लोगों से सीखे कोई भाई, और कल के दिन मैं बता रहा हूँ भाई ये लड़की है, आप सब लोग आखिरी में इसका सपोर्ट इसके पक्ष ले लोगे, इसको संपत्ति दोगे, इसको सब कुछ सपोर्ट दोगे, पर एक बात है भाई कि ये नहीं मानने वाली, और आप आखिरी में एक लड़का ही गलत होगा भाई, मैं बता रहा हूँ अभी आपको एडवांस में। सो भाई कुछ लोग होते हैं ना कि सब कुछ सामने होने के बाद भी, सब कुछ प्रूफ रखने के बाद भी, ए टू जेड तुम अबे चोर पकड़ा गया है सामने चोरी करते हुए, वो फिर भी नकार रहा है कि मैं चोर नहीं हूं। अबे भाई कितना झूठ बोलोगे, प्रूफ दे दिए मैंने, क्या सिंपथी चाहिए क्या, नया मोटो ब्लॉगिंग चैनल बना रही है ना, उसी लेकर ये सब सिंपथी गेन कर रही है, कर। पर सब कुछ मैंने रख दिया सबके सामने, जिसको अकल होगी वो सब देख लेंगे। गाइज आप लोगों के पास अकल है ना तो इसको देखो, सब कुछ प्रूफ रखने के बाद भी वो ऐसे ऐसे लिख रही कि सच बता दे चैनल किसका है। अबे भाई बचकांड, कसम बता रहा हूँ तू जितना माइंड से खेल रही है ना, कसम बता रहा हूँ ऐसे लोग मैंने देखे नहीं है। हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग सीधे होते तो भाई सब हमारा फायदा उठाना जानते हैं ना, पर एक बात याद रखना कि पहाड़ियाँ का सीधा है ना तो खराब के लिए खराब भी है। सो गाइस, सारे प्रूफ रखने के बाद भी अगर ये तुम्हें नहीं लगता है ना कि मैं गलत हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत हूँ, आपकी कहने से अगर होता है मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, पर मेरे को पता है कि मैं सही हूँ या गलत, मैंने सही किया या गलत किया, ठीक है। आप लोग सब लोग जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो भी आप मुझसे मुझे बात करना चाह रहे हैं, जो भी आप मेरी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये लड़की ऐसी लड़की है ना कि ये लड़की चाहती है कि मतलब सब कुछ मैंने प्रूफ रख दिया है, इसको सब दिख गया है, इसकी सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई है, पर ये लड़की ये दिमाग ये लगा रही है कि यार ये कुछ ना कुछ फेम लेकर जाएगी, क्योंकि इसे मोटो ब्लॉगिंग चैनल खोलना है इसके इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है, इंस्टाग्राम में डालेगी स्टोरी वगैरह, वहां से लेके जाएगी क्राउड। भाई मेरे से एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसके इंस्टाग्राम पे जाओ, सब रिपोर्ट मारो, ठीक है, सबके सब मास रिपोर्ट मारो, ठीक है, जो रिपोर्ट मारनी है मारो, पर रिपोर्ट मारो, इसका इंस्टाग्राम डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम अनयूजुअल एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे शॉर्ट क्रिएटर्स जाओ और वीडियोस बनाओ इसकी फोटो लगा के, मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना फोटो वर्ड, तो यहीं कहीं पर इसकी फोटो भी आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं ये बाद में एडिट करूंगा, तो फोटो भी आ रही होगी, तो इसकी फोटो भी लगाओ साथ ही साथ, क्योंकि इसकी फोटो के साथ लगाओगे तो इसके आसपास के लोगों को पता चलेगा कि ये लड़की कैसी है। ये लड़की जमशेदपुर की है और शायद 10वीं या 11वीं में पढ़ती होगी, और मुझे मेरे को गलत बना रही है यहाँ पे। अबे भाई कितना गिरोगे, तेरा भाई भी वैसे ही है, तू भी वैसे ही है, लिचड़ हो तुम लोग, ठीक है, तुम अपना नाम खराब कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो, उनके पास तक ये वीडियो जानी चाहिए। ये सब लोग शेयर करो, सारे क्रिएटर्स वीडियोस बनाओ, जो जो मेरी मदद कर सकता है करो भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ बाप को गालियाँ दे रही है। आप खुद देख के आओ स्टोरी में क्या क्या लगाया, मैं देखो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से दिखा रही है कि चैनल इसी का है, और मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहानी जितनी मैंने सुनाई है ये सब कुछ झूठ है, इस तरीके से इसने एक कमेंट लिखा है अपने स्टोरी पे, क्योंकि ये चाहती है कि कुछ ना कुछ ऑडियंस लेके जाए, सिंपल सी बात है। मैंने सारे प्रूफ रख दिए हैं, मैं अभी थर्ड पार्ट ना लाऊं, ये चाहती है ना, बेटा थर्ड पार्ट तो मैं लेकर आऊंगा, उसमें तेरी और सच्चाइयां खुलेंगी, और अभी तक मैंने कोई एक्सपोज बनाया नहीं था इसके लिए, अपनी स्टोरी सुनाई थी कि मेरे साथ क्या क्या गलत हो रहा है, अब मैं तेरे लिए अच्छे से एक्सपोज बनाने में आ गया ना, कसम बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगा ना खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता तेरे लिए कुछ गलत करना, मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, मुझे अपनी स्टोरी सुनाने दे, मैं थर्ड पार्ट तक अपनी कहानी लेके जाऊंगा या फोर्थ पार्ट तक, वो मेरी मर्जी, मेरा चैनल, तू कौन है भाई बोलने वाली, तू होती कौन है मुझे कुछ बोलने वाली, मैं अपने हिसाब से अपना चैनल चलाऊंगा। मैं कुछ गलत नहीं बोला अभी तक, मैंने किसी के लिए कुछ गलत गालियाँ नहीं दी, मैंने किसी का नाम तक नहीं बताया था। इस लड़की का नाम अब मैं बता रहा हूँ, इस लड़की का नाम है श्रुति, श्रुति नाम है, गेम के अंदर इसने पीहू नाम रख दिया, तीसरा नाम इसने मून रख दिया, इसको स्कैम करना था, ये कम्युनिटी में स्कैम ही करने आई थी अपनी तीन तीन पहचान बना के। तो गाइस बस मेरी इतनी मदद कर दो इस वीडियो को, अच्छे अच्छे लोगों को शेयर करो, जो जो बंदे आगे इसके ऊपर वीडियो बनाए, और सब लोग वीडियोस बनाओ,
मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। इंस्टाग्राम पे आप लोग स्टोरी लगाओ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं आपको मेंशन बैक दूंगा, और आप यूट्यूब में अगर मेंशन करते हैं मुझे तो मैं आपकी वीडियो पे आके कमेंट भी करूंगा, सबकी वीडियोस में देखूंगा। प्लीज़ मेरी मदद करो, ये मेरे माँ बाप को गालियाँ दे रही है, बड़े बड़े क्रिएटर्स तक ये बात पहुँचाओ, एक्सपोजर्स तक बात पहुँचाओ कि कोई मेरी मदद करे। मैं अकेला पड़ चुका हूँ इस जगह पे, कल के दिन ये लड़की सही बन जाएगी सबके सामने। अभी तक मैंने अपने फेम से सब कुछ किया, अपनी पहचान से, इतनी मेहनत करके, सालों की मेहनत है मेरी, मेरी मेहनत बर्बाद करना चाहती है। प्लीज़ मेरी सपोर्ट करो, प्लीज़ मेरा मदद करो, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट में इसकी कहानी पूरी देख लेना कि कितने पानी में है।